प्रिय मित्रों, आज जो एक विषय आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, और वो है हमारे जो पहली कलीसिया थी, सबसे पहली कलीसिया, सबसे पहला जो चर्च था, उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। और अगर मैंने उसका टाइटल इस प्रकार से दिया है, ग्रोथ ऑफ द अर्ली चर्च, या पहली चर्च की बढ़ोतरी, द ग्रोथ ऑफ अर्ली चर्च, जो सबसे पहला जो कलीसिया थी उसकी बढ़ोतरी कैसी हुई, और इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आशा है कि आजकल के जो चर्च हैं, कलीसिया है, उससे कंपेयर करके देख सकते हैं कि कहीं हम और दूसरी तरफ तो नहीं मुड़ गए। आइए हम देखेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा और किस प्रकार से वहाँ पर पत्रस ने प्रचार किया, प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय, और किस प्रकार से लोग प्रभु के पास आए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय और उसके 40 पद से। ध्यान से सुनिए, ये सबसे पहली कलीसिया थी जिसे हम कहते हैं चर्च। ये विश्वासियों का झुंड जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और किस प्रकार का उनका जीवन था चर्च में और जनरली। आशा है ये हमारे लिए, सबके लिए आशीष का कारण ठहरेगा। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और 40 पद से। उसने बहुत और बातों में भी गवाही दी, दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। और जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया। और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनके सब वस्तुएं साझे की थी, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हम देखते हैं मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, किस प्रकार से जो पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी, चर्च था, वो किस प्रकार से प्रभु में बढ़ती चली गई। पहली बात हम देखते हैं इस बढ़ोतरी में, इस ग्रोथ में, जो कि 41 पद में लिखा हुआ है, जब पत्रस ने खूब दूसरों को बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया और फिर तीसरे गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और आज वो तुम्हें बचाने वाला है तुम्हारे पापों से। तो लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया, 41 पद। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, अर्थात जिन्होंने उस पर विश्वास किया, अरे साहब ये तो मेरे लिए है, अरे ये तो उद्धार का मार्ग बता रहा, हम तो पापों में गिरे हुए थे, और कई लोग उसके पास आए और उन्होंने वचन ग्रहण किया। और क्या लिखा है, 3,000 मनुष्यों के लगभग उस दिन प्रभु के पास आए, और उन्होंने क्या लिया, बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लिया। सो हम देखते हैं कि पहली शताब्दी की जो चर्च था, कलीसिया थी, उसमें परमेश्वर का वचन का इम्पैक्ट, प्रभाव बहुत ज़बरदस्त था। मेरे ख्याल में, मैं जहाँ तक सोचता हूँ, क्योंकि ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ वचन था,
पूरे अधिकार के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में दिया हुआ वचन था। इसीलिए उन लोगों के मन छिद गए, उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। 3,000 मनुष्य, आप सोचिए, एक दिन में 3,000 लोगों ने प्रभु के वचन को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, उद्धार पाया और क्या लिखा हुआ है, बपतिस्मा लिया। मेरे प्रियो, यदि आप अपने आप को मसीह कहते हैं, क्या आपने अब तक बपतिस्मा लिया है? ये प्रश्न है मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ। पहली कलीसिया के चर्च में ये देखते हैं हम कि जब उन्होंने वचन ग्रहण किया तो उन्होंने एकदम से बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा का मतलब है कि पानी के अंदर जाना और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना, पूरा डूबना। डूबना मतलब पानी में डूबना एक दो सेकंड के लिए इस बात को दर्शाता है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व पानी के अंदर गाढ़ा गया, और जब हम पानी में से निकल कर आते हैं ऊपर तो ये दर्शाता है कि अब हम नए जीवन जो है उसकी ओर बढ़ेंगे। जैसा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, हम भी उसी प्रकार से एक उपमा के रूप में पानी से बाहर आकर इस बात को दर्शाते हैं कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएंगे। यह बपतिस्मा का अर्थ। बपतिस्मा किसी को क्रिश्चियन नहीं बनाता, बपतिस्मा किसी को विश्वासी नहीं बनाता, वो एक सिर्फ बाहरी रूप से एक चिन्ह है कि हमने अंदर मन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके नाम में हम दफन हुए और अब नए जीवन की ओर बढ़ते हैं। तो उस दिन 3,000 लोगों ने प्रभु पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया। और अगर आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया तो पानी का बपतिस्मा लीजिए, डुबकी का बपतिस्मा लीजिए। वो डुबकी का बपतिस्मा ही परमेश्वर के वचन में बिल्कुल साफ रीति से दिया गया है, आप इस पर ज़रूर विचार करें। दूसरी बात हम देखते हैं, जो अर्ली चर्च जो था, जो पहली शताब्दी की जो कलीसिया थी, जो चर्च था, वो टीचिंग में बहुत आगे बढ़े। लिखा हुआ है 42वें पद में, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। जी हाँ, वो ललायित थे परमेश्वर के वचन को खाने में। और प्रेरित जो थे, अपोसल्स जो थे, चेले जो थे, वो जितना हो सके उन्होंने प्रेरितों को परमेश्वर का वचन खूब कूट कूट करके परमेश्वर का वचन उनको दिया। क्या आज हमारे चर्चेज में, हमारी कलीसिया में, क्या एक सच्ची ठीक पवित्र डॉक्ट्रिन दी जाती है, सच्ची शिक्षा दी जाती है? यदि आप किसी चर्च में जा रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर का वचन का प्रचार नहीं होता है, आप वहाँ ना जाएं। वहाँ पर जाएं जहाँ पर सच में परमेश्वर का वचन पूरी सिधाई के साथ, पूरी खराई के साथ, पूरी सटीकता के साथ, शुद्ध रूप से परमेश्वर का वचन का प्रचार होता है। सो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन की शिक्षा पाएं, आपके पास्टर से, लीडर से, जो प्रभु में परिपक्व हैं, मच्योर हैं, आप उनसे विनती करें कि हमें प्रभु के बारे में और शिक्षा दीजिए। सिर्फ दूध से काम नहीं चलेगा, अब आपको ठोस पदार्थ खाना है अपने आत्मिक शरीर को हिष्ट पुष्ट बनाने के लिए। तो वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में, तीसरी बात हम देखते हैं, फेलोशिप, संगति बहुत इम्पॉर्टेंट है। इब्रानियों के 10वें अध्याय 25 में क्या लिखा है, जैसे जैसे अंतिम दिन तुम देखो, आते देखो, वैसे वैसे तुम एक दूसरे के साथ संगति करना न छोड़ो। अगर हमने संगति छोड़ दी तो हम सूख जाएंगे। हम देखते हैं तीसरी बात कि जो पहले कलीसिया के जो लोग थे, चर्च के लोग थे, वे संगति करते थे, एक दूसरे के साथ जितना हो सकते थे मिलते थे, ताकि वो परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर में मजबूत बने, और वे सच में मजबूत बने। हम आगे देखेंगे इसको। तो हम देखते हैं यहाँ पर संगति रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक लकड़ी अगर हम जलाएंगे तो बड़ी जल्दी जल जाएगी और उसकी आँच, उसका प्रकाश बहुत देर तक नहीं रहेगा, लेकिन जब ढेर सारी लकड़ी जल देंगी तो आँच भी बहुत अच्छी आएगी, गर्माहट भी खूब अच्छा होगा और बहुत देर तक जलती रहेगी। उसी प्रकार से
हम संगति करें अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ, आनाकानी न करें, क्योंकि कई क्या होता है आनाकानी करते हैं, संडे को भी काम करते हैं, संडे को भी उल्टे सीधे इधर उधर जाते हैं, इसके बजाय कि परमेश्वर के घर में जाए, विश्वासियों के साथ मिल करके आराधना करें। ऐसा ना हम करें मेरे दोस्तों, नहीं तो हम सूख जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। संगति करने से हम पक्के होते हैं। फिर चौथी बात हम देखते हैं कि संगति के साथ साथ रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में क्या थे, लवलीन थे। रोटी तोड़ने का मतलब है परमेश्वर प्रभु भोज लेना। क्या आप प्रभु भोज लेते हैं अपने चर्च में? जरूर लीजिए। अगर प्रभु भोज लेने के लिए आपके पास्टर बोलते हैं कि भाई जो बपतिस्मा लिया है वही प्रभु भोज लेगा, तो आप बपतिस्मा लीजिए और प्रभु भोज लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा मरने से पहले, अपने मृत्यु से पहले अपने चेलों के साथ जब वो प्रभु भोज कर रहा था, जिसे हम लॉर्ड सपर कहते हैं, तो उसने कहा मेरी यादगारी में यही किया करो। तो आप प्रभु को याद करें, जितने बार भी आप मिलते हैं आप याद करें और प्रभु भोज में शामिल हो, जो दाखरस प्रभु का लहू बताता है और रोटी जो यीशु मसीह की देह बताती है, वो हमारे लिए तोड़ी गई, लहू बहाया गया ताकि हम उद्धार पा सके। तो मेरे मित्रों, आप प्रभु भोज में जरूर शामिल होइए, लेकिन ये देखिए कि आपका जीवन पवित्र ठहरे, प्रभु से माफ़ी मांगे, दूसरों से माफ़ी मांगे और प्रभु भोज में शामिल हो। और फिर वो क्या करते थे, अगर अर्ली चर्च प्रार्थना कर ले करने में लौलीन रहे। देखिए, बैप्टिज्म हुआ उनका, विश्वास किया, टीचिंग में लगे रहे, शिक्षा पाने में लगे रहे, संगति पाने में लगे रहे, पर प्रभु के प्रभु भोज में शामिल हुए और प्रार्थना में लौलीन रहे। प्रार्थना, प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर के साथ आत्मिक रूप से संगति करना। जब कभी भी सोते हैं, चलते फिरते, खाते पीते, हम प्रार्थना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारी प्रार्थना एक घंटे की हो या आधे घंटे की हो। प्रार्थना का मतलब है कि आप बातें करें, चाहे वो एक मिनट की बात हो या एक घंटे की बात हो या दिन भर की बात हो। मेरे मित्रों, आप अपने दिल से, अपनी आत्मा से लौलीन होकर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाएं, रोए, बातें करें। ये है प्रार्थना का मतलब। अच्छा, और उसके साथ साथ एक और चीज़ देखते हैं, 44 पद में, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं क्या थी, साझे की थी। मतलब सबकी वस्तुएं एक दूसरे की थी। कोई नहीं कहता भैया ये मेरा स्कूटर है, इसको मत छूना। हाँ, नहीं 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 नहीं, अगर किसी को स्कूटर की ज़रूरत पड़ती थी तो इस मतलब मैं स्कूटर इसलिए बोल रहा हूँ, आजकल के ज़माने में जो भी उनकी चीज़ें थी सब शेयर करते थे। और 45 पद में क्या लिखा है, और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। ये है शेयरिंग, ये है एक दूसरे की सहायता करना, ये है प्रेम, ये है प्रैक्टिकल लव जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। पहली शताब्दी की कलीसिया, हाँ मेरे दोस्तों, आज हमारे देश में हमारी कलीसिया की क्या हालत है, हमारे देश में चर्चों की क्या हालत है। लोग पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, राजनीति में जा रहे हैं, चर्च के अंदर पॉलिटिक्स हो रहा है। क्या यही परमेश्वर का वचन कहता है? जी नहीं। हम देखते हैं कलीसिया जो थी, पहले चर्च का जो चर्च था, उनमें आपस में एक मेल मिलाप था, एक प्रेम था, एक दूसरे के प्रति बड़ी चिंता थी कि कहीं किसी दूसरे को कमी ना हो। ये है पहली कलीसिया का चर्च। वे अपनी संपत्ति बेच बेच कर जिसको जैसी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे और सब वस्तुएं साझे की थी। ये है असली कलीसिया। क्या आपकी कलीसिया ऐसी है? क्या हमारी कलीसिया ऐसी है? मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, हम जिस अनुग्रह प्रार्थना सदन में जाते हैं, हमारे पास्टर जी तो हमें भैया डांटते रहते हैं, हाँ
कि अगर तुम ठीक से नहीं चलो, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, और अच्छी तरह से प्यार से डांटते ताकि हम विश्वासी अगर गलत रास्ते में जा रहे हैं तो सही आ जाए। और क्या आपका चर्च इस प्रकार का बातें करता है जैसा मैंने अभी आपके सामने रखा? बैप्टाइज्ड वाले लोग, परमेश्वर का वचन ग्रहण करने वाले योग, परमेश्वर की शिक्षा पाने वाले योग, संगति में एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़कर प्रभु भोज लेने वाले, प्रार्थना करने वाले, शेयरिंग करने वाले, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे चर्च में ये बातें नहीं हैं तो ये बहुत दुख की बात है, और परमेश्वर कितना ग्रीव होता होगा, उसको कितनी दुख पहुंचती होगी कि उसकी कलीसिया के लोग आपस में झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, कई चर्चेज में ताले लग चुके हैं, पुलिस वहाँ पर खड़ी है। क्या ये पहली शताब्दी के चर्च के अनुसार है? कभी नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हम होशियार रहें कि किस प्रकार की कलीसिया में हम अटेंड करते हैं, जाते हैं, और उसको बढ़ोतरी का कारण बनाते हैं। अच्छा, इसका जब रिजल्ट क्या हुआ, ऐसी कलीसिया, पहली शताब्दी की कलीसिया का रिजल्ट क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? 43 पद पे लिखा है, और सब लोगों पर भय छा गया। भय का मतलब है एक आत्मिक उन्माद, एक आत्मिक आदर परमेश्वर के प्रति, मसीहियों के प्रति भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और इस तरह से परमेश्वर बहुत अजीब अजीब मिरेकल्स, अद्भुत काम, लोग चंगाई पाते थे। जब कलीसिया ऐसी होगी तो ज़रूर है कि बहुत अच्छे अच्छे काम परमेश्वर की महिमा के लिए होंगे। 40 पद में क्या लिखा हुआ है, मैंने 40 पद में लिखा है, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। हालेलुया, आमीन। ऐसी कलीसिया चाहिए आज हमारे देश में, हमारे भारत वर्ष में, ऐसी कलीसिया जो जागृति हो, जहाँ पर लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाएं, एक मन हो जाएं, लड़ाई झगड़ा को छोड़कर दूसरों की चिंता करें, परमेश्वर की स्तुति करें। ये नहीं कि किसी लीडर को बढ़ा चढ़ा करके, भैया तू आ जा, उसकी चिकनी चुपड़ी बातों से किसी को ऊपर उठाना, किसी को नीचे दिखाना, ये नहीं है पवित्र आत्मा का कार्य। पवित्र आत्मा का कार्य, जैसे हमने देखा ये प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में बहुत सुंदर चित्रण, एक 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 आदर्श कलीसिया जो है, आदर्श चर्च जिसे हम कहते हैं, वो है। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन करते थे। अरे साहब, क्या आनंद आता, मुझे तो पढ़ने में आनंद आ रहा है। क्या हमारा चर्च, आज का चर्च ऐसा है? क्या हम इसको, अगर ऐसा नहीं है तो क्या हम इसको बनाने में, सुधारने में सहायता करें? और वे परमेश्वर की स्तुति करते सब लोग उससे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। अरे साहब, जब ऐसी पवित्र आत्मा का कार्य होगा तो नेचुरली लोग प्रभु के पास आएंगे, वो तो है ही, ये तो स्वाभाविक है। एकता देखते, और प्रभु का कार्य क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज बढ़ता चला गया। परमेश्वर आपके द्वारा और मेरे द्वारा, अपने लोगों के द्वारा ऐसे ही कलीसिया की स्थापना करे। आमीन।